हाय, मैं जीनल आप सबका स्वागत करती हूँ मे आई हेल्प यू में। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके होने का हम सोच भी नहीं पाते, और हम बात कर रहे थे आग जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें घर पर स्मोक अलार्म लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से अनयूजुअल स्मेल आए या शॉर्ट स्पार्क की सिचुएशन में उन्हें तुरंत शट ऑफ कर देना चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली बात जो ध्यान देने की है वो है हीटर्स को सही ढंग से इस्तेमाल करने की, क्योंकि कुछ सुविधाएं हमें दुविधा में डाल देती है और खुद को उन सब से बचाने के लिए मे आई हेल्प यू है ना। सो सर्दी के दिनों में ठंडे इलाकों में हीटर्स बहुत यूज किए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबल हीटर की, जिसे प्लेस करने के लिए उसे अपना स्पेस चाहिए। सो कीप एनीथिंग कंबस्टिबल एटलीस्ट 3 फीट अवे। अगर आपके घर में फायर प्लेस है तो फायर को सिर्फ वहीं तक ही रखें, वो भी फायर स्क्रीन के साथ। इसकी चिमनी को एनुअली क्लीन करते रहें, बिकॉज खराब चिमनी में फायर लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैरोसिन हीटर यूज़ करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये केवल वहीं यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पर अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किए हो। इसमें कभी भी गैसोलीन या कैंप स्टव फ्यूल का इस्तेमाल ना करें, और जब भी हीटर में कैरोसिन ख़त्म हो जाए तो गर्म हीटर को कभी भी रिफ्यूल ना करें। इन्हें रिफ्यूल करने के लिए उसको पहले ठंडा होने दें और हमेशा घर के बाहर जाकर ही रिफ्यूल करें। मे आई हेल्प यू में हम दोबारा मिलेंगे कुछ स्मार्ट सोल्यूशन और टिप्स के साथ। तब तक अपने फीडबैक्स, क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हमें भेजते रहिए स्क्रीन पर दी गई जानकारी पे। Till then, take care.